दोस्तों आज अपनी लाइफ में इलैक्ट्रिसिटी और कह लिए करंट की कितनी इंपॉर्टेंस है वो मे बी दसन की लोड़ ही नहीं, क्योंकि अड छोटे तो लैके हर वड्डे काम में इलैक्ट्रिसिटी की लोड़ पैंदी ही पैंदी है। बट की कदे सोचा कि ह्यूमन लाइफ लिए इन्नी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इलैक्ट्रिसिटी डिस्कवर किवें हुई सी। आओ अज इस एजुकेशनल वीडियो थ्रू जानते हाँ कि इलैक्ट्रिसिटी किन्ने कदों एंड किवें डिस्कवर की। दोस्तों कुछ डिस्कवरीज होंदिया ही इदा दियां ने जो दुनिया नूं बदल के रख दिंदियां ने, जिहदी सब तो वड्डी एग्जाम्पल है अग की खोज। इस वीडियो की बैकग्राउंड विच भी तुसी देख सकते हो अज तक हुई कई वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जिन्हें अपनी लाइफ काफ़ी ईजी कर दी। इन्हां सारियां विचों डिस्कवरी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी सी, क्योंकि इहदे तों बाद ही वो सब डिस्कवरीज पॉसीबल हुई जो एक टाइम तक इंपॉसीबल लगदियां सन। इलैक्ट्रिसिटी की खोज में कई साइंटिस्ट ने अपना पार्ट प्ले किया, ना कि किसी एक साइंटिस्ट ने, बट वीडियो में दिखाए जा रहे ये 7 to 8 साइंटिस्ट ही सब तो मेन सन। अप्रोक्सीमेटली 600 BC के एक फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम सी थेल्स, उन्हें पता लगाया कि कच और एम्बर नू रेशम या बिल्ली के वालों नाल रगड़न ते इहदे विच इदां दी पावर आ जाती है कि जिहदे नाल कोई भी हौली चीज़ जिवें कि सिर दे वाल इहदे वाल अट्रैक्ट होण लग पैंदे ने। बट उस टाइम इस थ्यूरी नू बाकियां वल्लों कोई खास इंपोर्टेंस ही नहीं मिली, एंड कुछ लोगों ने इस प्रोसैस नू ब्लैक मैजिक नाल भी जोड़ दिता। एंड लेटर जदों साइंटिस्ट थेल्स ने इहदे उत्ते रिसर्च कीती तां वो अंडरस्टैंड कर गया कि इह कोई ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि एक साइंस है। हुण क्योंकि उन्हें एक्सपैरीमेंट्स लई एम्बर नू यूज़ कीता सी, इत्थे दस दईए कि एम्बर आम ही साल दे रुखां उत्ते लगी मिलदी है जो कि एक सख्त गूंद वर्गी हुंदी है। इसे एम्बर नू ग्रीक लैंग्वेज विच इलैक्ट्रॉन कहा जाता है, जिते तो लेटर वर्ड इलैक्ट्रिसिटी बनिया। लेटली 1752 विच एक फेमस अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया कि समान विच चमकदी बिजली एंड इलैक्ट्रिक स्पार्क दोनों एक ही ने, जिन्हों साबित करने लई उन्हें एक फेमसली नॉन एक्सपैरीमेंट भी किया। उस एक्सपैरीमेंट विच उन्हें मीह हनेरी वाली रात पतंग नाल गिली रस्सी एंड उसे रस्सी नाल एक चाबी टांके जदों उड़ाई तां इलैक्ट्रिक शॉक पतंग के थ्रू गिली रस्सी तो हुंदिया सीधा उस चाबी तक आया। दैन उस साइंटिस्ट नूं लगा जिथों ये 100% प्रूव हो गया कि समानी बिजली एंड इलैक्ट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली एक ही ने। अज इसे साइंटिस्ट की फोटो अमेरिका के $100 के नोट उत्ते लगी मिलती है। इस तो बाद साल 1800 विच एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने भी एक कमाल की खोज की। उन्हें दस्या कि कैमिकल रिएक्शन तो भी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिदे विच उन्हें एक इलैक्ट्रिक सैल इनवेंट किया जिस तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती सी। वोल्टा ने यह सैल इलैक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव एंड नैगेटिव यूज करके बनाया, एंड लेटर इसे साइंटिस्ट के नाम तो ही वोल्ट यूनिट रखा गया। डायरैक्ट करंट की इनवेंशन तो बाद इलैक्ट्रिसिटी के वड्डा टर्न अराउंड 1831 विच आया, जो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने दसिया कि जो कॉपर की वायर नू मैगनेट नाल यूज़ करके जो अगे पिछे घुमाया जाए तो मैगनैटिक फील्ड नाल भी इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिहदियां एग्जाम्पल ने अज आम ही यूज़ होंदियां इलैक्ट्रिक मोटर्स। इस एक्सपैरीमेंट नू यूज़ करके 1878 विच अमेरिका के थोमस एडिसन एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसफ स्वैन ने फिलामेंट लाइट बल्ब नू आपो अपने देशों में इनवेंट किया, जो अज आप सब अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। बट दुनिया अज थोमस एडिसन नू ही बल्ब का इनवेंटर मानती है, जबकि जोसफ स्वैन ने भी इसकी इनवेंशन की सी। इस तो बाद काफ़ी लंबे समय तक फिर DC करंट ही यूज़ किया जा रहा सी। साइंटिस्ट वोल्टा वालों इनवेंट कीतियां बैटरीज भी DC करंट ही जनरेट कर दियां सन, जिहदे विच काफ़ी खतरा हुंदा सी। एंड द बिग प्रॉब्लम वॉज कि यह सिर्फ एक समॉल डिस्टेंस तक ही इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकदियां सन, इसे लई जिथे भी लाइट पहुंचाउणी हुंदी सी उत्थे हर 3 to 4 kilometers के विच एक प्रोडक्शन हाउस लगाउणा पैंदा सी। दैन इसे प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दा बीड़ा चुक्या सदी दे ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने, जो थोमस एडिसन की कंपनी विच ही काम करदा सी। टेस्ला नूं छेती ही यह पता लग गया कि डीसी करंट दियां सारियां प्रॉब्लम्स की ने, एंड दैट्स वाई उन्हें AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट बनाने लिए काम करना स्टार्ट कर दिता। टेस्ला चाहता सी कि इदां दा करंट बनाया जाए जो सेफ भी होवे एंड लोंग डिस्टेंस तक भी पहुंचाया जा सकता होवे। पर जो टेस्ला ने थोमस एडिसन नूं सारी गलबात दसी तां एडिसन ने उन्हें साफ मना कर दिता एंड कहा कि तू जो भी एक्सपैरीमेंट करना वो DC करंट उत्ते ही कर। जिस तों बाद सैड होए टेस्ला ने एडिसन की कंपनी ही छड्ड दित्ती सी एंड उन्हें AC जनरेटर एंड AC मोटर उत्ते काम करना स्टार्ट कर दिता। फाइनली 1887 विच टेस्ला ने AC करंट की इनवेंशन कर ही दित्ती। ये उही करण सी जिन्हों कई माइल दूर तक बिना किसी रुकावट तो लैके जाया जा सकता सी। अज अपने घरां दे विच भी यही AC करंट की सप्लाई आउंदी है। इस अपनी इनवेंशन तो बाद टेस्ला ने वायरलैस इलैक्ट्रिसिटी ते भी काम करना स्टार्ट कर दिता सी। कईयां दा कहना भी है कि उन्हें ये इनवेंशन कर भी ली सी, बट अनफॉर्चुनेटली विद ऑल द कॉन्सपिरेसी
वो ज़्यादा टाइम जी ही ना सके। एंड कई र्यूमर्स ने कि थॉमस एडिसन एंड इलैक्ट्रिक कारपोरेट्स ने उन्हें मरवा दिता सी। सो हुण सोच के देखो कि किन्ने लोगों के हाथ से अज यूज़ की जाती इलैक्ट्रिसिटी की खोज में। चलो हुण ये दे पता लग गया कि बिजली पैदा किवें हुई, बट आओ हुण जानते हाँ कि अज इलैक्ट्रिसिटी किवें प्रोड्यूस की जाती है। हुण दो तरीकों नाल बिजली पैदा की जाती है, एक ने प्राइमरी सोर्स एंड दूजे ने सैकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ने जो नैचुरली अवेलेबल ने, जिमें कि एक तो है सनलाइट जो सोलर पैनल्स के थ्रू इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, दूजी है विंड जो विंड मिल्स के थ्रू इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, एंड थर्ड ने सी वेव्स जिन्हों तुसी वीडियो में देख सकते हो कि किवें काम करती है। बट इन तो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस की जा सकती है, तो करके ही सैकेंडरी सोर्स जिन्हों मेन सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, इन तो दुनिया की 90% बिजली पैदा की जाती है। ये सोर्स हैं वाटर, ऑयल, गैस एंड कोला। जिमें कि तुम आम वेख्या या सुनया होना, एक तो होंगे ने हाइड्रो प्लांट्स जिदी एग्जाम्पल ने भाखड़ा नंगल डैम जो एवरी डे पानी यूज करके इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सैकेंड ने थर्मल प्लांट जिदी एग्जाम्पल ने मानसा एंड राजपुरे बनिया थर्मल पावर प्लांट जिथे इलैक्ट्रिसिटी कोले यूज करके प्रोड्यूस की जाती है। थर्ड ने डीजल प्लांट जिदे डीजल यूज करके इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इदा का पावर प्लांट केरला स्टेट की सिटी कोची में बनया हुआ है। फाइनली न्यूकलीयर प्लांट जिदी एग्जाम्पल है तमिलनाडु बनिया कुंदनकुलम न्यूकलीयर पावर प्लांट जिथे यूरेनियम इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लिए यूज किया जाता है। आओ हुण जानते हाँ इलैक्ट्रिसिटी नाल जुड़े कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स। आसमान तो डिगन वाली बिजली दे विच ऑलमोस्ट 10 करोड़ वोल्ट होंदे हन। उहदे कंपैरेटिवली जो बिजली अपने घरां दे विच आउंदी है उहदे विच सिर्फ 220 वोल्ट ही होंदे हन। तुहानू सुन के शायद हैरानी होवे कि बिजली की खोज कई हज़ार साल पहला एंशियंट सिविलाइजेशन विच होए होण दे सबूत आर्कियोलॉजिस्ट नूं वर्ल्ड दे डिफरेंट प्लेसिस तों भी मिले ने। जिवें 1930 विच मिलियां रोमन एम्पायर दीआं बैटरीज जो लेटर बगदाद विचों भी मिलियां। इजिप्ट दे पिरामिड दीआं वॉल्स ते बनियां इलैक्ट्रिक बल्ब वर्गियां ड्रॉइंग्स कई साइंटिस्ट नूं सोचां विच पाउंदियां ने। सो दोस्तों ये सी इलैक्ट्रिसिटी नाल जुड़ी कुछ बेसिक इनफॉर्मेशन। किवें लगी वीडियो अपना प्रेशियस कमेंट करके जरूर दस्सियो। मिलदे हां किसी नैक्सट इनफॉर्मेटिव कॉन्टेंट दे नाल। टिल देन कीप लर्निंग एंड